मुंबई से सटे भाईंदर की नवघर पुलिस ने दो ऐसे शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने 13 साल की मासूम बच्ची को फिल्म में काम दिलाने के बहाने अपने खंडहरन में फंसाया। उसके बाद मासूम को गोराई ले जाकर चालाकी के खाने में नशे की दवा मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी ऑटो चालक है जो बच्ची को उसके स्कूल छोड़ने जाता था, जबकि दूसरा आरोपी गैरेज में मिस्त्री का काम करता है। सर, क्या घटना हुई है, इस घटने में इसकी पूरी जानकारी क्या है? 16 साल की नाबालिग लड़की है, वो 11वीं में पढ़ती थी। तो कॉलेज में जब जाती थी तो एक रिक्शा में वो बैठ के कॉलेज में जा रही थी, तो रिक्शे वाले ने उसके पास से पैसा नहीं लिया और शमशाद करके नाम उसका है। तो उसके बाद में उसने उसके साथ दोस्ती बढ़ाई और हर रोज़ उसको छोड़ने जाता था और एक दिन उसको विश्वास दिला के फ्रेंडशिप करके उसको गोराई घूमने लेके गया, गोराई बीच। उधर जाके उसके साथ में बदतमीजी की, छेड़छाड़ की उसको। तो लड़की को उसका गुस्सा आया, जब से वो उससे बात नहीं करती थी। फिर भी ये आरोपी रिक्शा वाला उसका पीछा करते रहता था वो दोस्ती करने के लिए, लेकिन वो उससे बात नहीं करती थी। इसलिए उसको गुस्सा आके उसको तकलीफ़ देने के लिए उसने अपना दोस्त दानिश गैरेज वाला ये उसको उसका नंबर दिया और उसको परेशान करने के लिए उसको बोला। फिर दानिश ने उसको फ़ोन करा के उसको कुछ बात बताना है करके उसको बुलाया, उसको मीटिंग किया और फिर उससे दोस्ती धीरे धीरे किया। फिर उसके बाद में उसको उसने पूछा कि तेरे को क्या करना है, क्या बनना है। तो उसने बताया कि मुझे फिल्म सिटी में काम करना है। तो उसने बोला कि यार मेरा तो फिल्म सिटी में पहचान के लोग हैं, तेरा तो मैं काम करा दूँगा। तो उसने बोला कल गोराई में उसके इंटरव्यू है फिल्म सिटी के लिए, तो तू चल मेरे साथ में, मैं तुझे काम दिला दूंगा। तो बोले कि ठीक है कल चलते हैं, मैं आती हूँ। फिर दूसरे दिन वो अपने गाड़ी में उसको लड़की को लेके गया, फिर गोराई में लॉज में लेके गया। लॉज में उसने उसको खाने के लिए जबरदस्त किया, खाना बुलाया, खाने में उसने कुछ तो भी नशीली दवा मिक्स किया। वो खाना खाने से लड़की को चक्कर वगैरह आना चालू किया, वो बेहोश हो गई। उसने उसके कपड़े वगैरह उतार के उसके साथ बदतमीजी की और लैंगिक अत्याचार उसके ऊपर। सर, इस घटना में कितने आरोपी को अरेस्ट किया गया है, कौन से कायदे अंतर्गत इसके ऊपर कार्रवाई की गई? हाँ, इसमें दो आरोपी हमने अरेस्ट किया है, रिक्शा वाला और वो गैरेज वाला, इसका नाम शमशाद और दानिश है। और उसके ऊपर 354 376 पोस्को एक्ट 363 367 के तहत कार्रवाई की है, अभी इंक्वायरी जारी है।